वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का इस 6 दिवसीय पंजाबी भाषा हेतु शिक्षण परीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए किए गए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा जो ये वर्कशॉप है इसके आखिरी दिन के आखिरी सत्र में, जिसको हम समापन समारोह भी कहते हैं, मैं बहुत बहुत आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आज के जो कार्यक्रम के एनवीएस हेडक्वार्टर के सह आयुक्त हैं श्री ज्ञानेंद्र जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह सूचना मिली है कि शायद वह किसी कार्यवश बाहर गए हैं और शायद यह वैलिडेटरी सेशन नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। उसके पश्चात मैं एनवीएस हेडक्वार्टर के श्री एनपी राजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। और तत्पश्चात मैं जो एनएलआई अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हैं श्री करमचंद भगत जी, और जिनका इस कार्यक्रम के एग्जीक्यूशन में, इसके कार्यान्वयन में अतुलनीय योगदान रहा, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। और इसके पश्चात इस कार्यक्रम के जो मुख्य जो 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 मुख्य उसे क्या कहेंगे, जो गोल है, जो हमारा मुख्य ध्येय है, वो आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। आपके पार्टिसिपेशन के बिना, आपके कोऑपरेशन के बिना और आपके मार्गदर्शन के बिना भी इस कार्यक्रम का सफलता पूर्वक संचालन संभव नहीं था। कई लोग यह कई व्यक्ति यह बात करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स हैं तो मार्गदर्शन कैसा, जब एक जगह एक साथ बहुत सारे शिक्षक इकट्ठा होते हैं, इतने वरिष्ठ लोग, इतने अनुभवी लोग इकट्ठा होते हैं, तो कभी कभी वह बिना एक शब्द बोले भी पूरे कार्यक्रम का संचालन संचालन स्वयं स्वयं करने लगते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो आपने अनुशासन बनाए रखा, इसमें जितनी सरलता बनाए रखी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, इस कार्यक्रम का जो संचालन हुआ वह ऑनलाइन कार्यक्रमों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप सभी का इसमें जो अनुशासन रहा, जो निर्देशन रहा और जो इस पे आपका पार्टिसिपेशन रहा, वो बहुत ही बढ़िया रहा। उस सभी के लिए आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। इसके पश्चात हमारे भारतीय भाषा संस्थान के एनआरसी सेंटर से जो हमारे पवन टिब्बा साहब हैं, जो इस कार्यक्रम के को कोऑर्डिनेटर रहे, मैं पवन टिब्बा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। तथा हमारे जो एनटीएस की और एनएलआई अमृतसर कि जो हमारी जो तकनीकी टीम रही, जो हमारी सहयोगी टीम रही, जैसे कि हमारे अमित झा साहब हैं, उधर से राकेश जी थे, एक और भी सज्जन है, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, एक वो भी थे जो बीच बीच में आकर अंकुश 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 ज्ञान अंकुश अंकुश जी भी रहे, और इधर से एनसी रहे, राघवन रहे, कई सारे लोग, ऐसे व्यक्ति लोग रहे, और ऐसे लोग भी जो अभी आपके प्रोग्राम में आपके सामने नहीं आए, लेकिन इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में उनका योगदान रहेगा। जो अकाउंट सेक्शन से लोग हैं, जो क्लरिकल सेक्शन से लोग हैं, जो और तकनीकी सेक्शन से लोग हैं, अकाउंट सेक्शन, इंटरनल ऑडिट, वो लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बाद में भी बनेंगे, वो यहाँ पर नहीं है, मैं उनका भी फिर भी इन एब्सेंसिया स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि किसी प्रोग्राम जैसा कि किसी मंच का एक नियम होता है कि जब प्रोग्राम समापन की ओर बढ़ता है, तब हम मंच जो जो पिछली सारी गतिविधियां हुई उनकी एक समरी सभी के सामने पेश करते हैं। तो उसी समरी को पेश करने के लिए मैं एनएलआरआई, अपने जो हमारा एनआरएलसी सेंटर पटियाला है, उसके जो को कोऑर्डिनेटर हमारे प्रोग्राम के रहे डॉक्टर पवन टिब्बा साहब, डॉक्टर पवन टिब्बा साहब से मैं विनय करता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम की रिपोर्ट सभी को पढ़ के सुनाए। टिब्बा साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि आप इस कार्यक्रम की रिपोर्ट पंजाबी में पढ़ के सुनाए, ताकि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनकी भाषा में इस प्रोग्राम के जो, जो इस प्रोग्राम में जो जो भी हुआ एक बार फिर से उसको मानसिक रूप से विजिट करने का मौका मिले। डॉक्टर टिब्बा साहब, ओवर टू यू प्लीज। प्यारे दोस्तों, असीं पिछले 6 दिनों तों एक ऐसी वर्कशॉप दे विच ऐसी प्रोग्राम दे विच बैठे हैं जिथे सानू सीखने नू बहुत कुछ मिलया है। मैं होर समा ना गवाउंदिआं सीधा रिपोर्ट ते आउणा है। नवोदया विद्यालय समिति दे पंजाबी अध्यापकां दी सिखलाई हित लगाए गए 6 दिनों अध्यापन जांच अते मुलांकण संबंधी प्रोग्राम दी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
इस प्रोग्राम का आरंभ 16 अगस्त 2021 नूं सवेरे 10:30 बजे होया। इस विच स्वागती शब्द डॉक्टर पंकज द्विवेदी ऑफिस इंचार्ज NTS भारतीय भाषा संस्थान ने कहे। इस उपरंत डॉक्टर पवन टिब्बा ने पवन टिब्बा व्याख्या का उत्तर इलाकाई भाषा केंद्र पटियाला ने इस समुचे प्रोग्राम दी गतिविधियां दे दिशां ते रोशनी पाई। उन्होंने बाद डॉक्टर प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस जी ने भारतीय भाषा संस्थान ते राष्ट्रीय परीक्षण सेवा दे उद्देशां अते गतिविधियां बारे बहुत ही विस्तार नाल गल कीती। उद्घाटनी सैशन के मुख्य मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जेस देवा जी सबका निर्देशक भारतीय भाषा संस्थान महसूस सन। उन्होंने अपने वडमुले विचारां नाल अध्यापकां नूं नवाजिया ते भाषा अध्यापन के विभिन्न पहलुओं बारे चर्चा भी की। इस सैशन के गैसट ऑफ ऑनर श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी जॉइंट कमिश्नर NBS सन। उस तो बाद प्रधानगी भाषण प्रोफेसर डॉक्टर सलेंद्र मोहन निर्देशक भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने प्रदान किया। धनवादी शब्द श्री NP राजन जी डिप्टी कमिश्नर NVS जी ने कहे। उद्घाटनी सैशन तो बाद वख-वख माहरां ने कुल 24 सैशनां विच अपनी अपनी अपने अपने विषय के उत्ते अध्यापकों नूं भाषा अध्यापन के विभिन्न पहलुओं तो जाणू करवाया। इन्हां माहरां विच डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर जे शर्मा, डॉक्टर विशाल गोयल, डॉक्टर उमा राणी पप्पू स्वामी, डॉक्टर उमा उदार, डॉक्टर मनजिंदर सिंह, डॉक्टर दविंदर कौर, डॉक्टर सुखविंदर सिंह संघा, डॉक्टर निर्मलजीत कौर, डॉक्टर मीना सहरावत, डॉक्टर CP कंबोज, डॉक्टर परविंदर सिंह, डॉक्टर जिंदरपाल सिंह बराड़, डॉक्टर जगविंदर जोधा, डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा सबका निर्देशक भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, डॉक्टर पवन टिब्बा, डॉक्टर बिरेश कुमार जी ने वक् वक् सैशनों दौरान अपने विचार जिहड़े सन अध्यापकों सामने रखे। यह सारा सैशन जिहड़ा सीगा साडा बहुत ही मैनू लगता है कि बहुत ही सारे सैशन बहुत ही वधिया सन। सारे सैशनों के जिन्हें भी साढ़े माहर एक्सपर्ट सीगे एक्सपर्ट माहर सीगे उन्होंने अपनी गल बहुत बखूबी रखी है। तो मैनू लगता है कि जिन्हें भी अध्यापक इस प्रोग्राम भी शामिल ने उन्होंने सारे ने ही उन्होंने माहरा तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा उठाया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद पवन टिब्बा जी, आपने एक बड़े संक्षिप्त रूप में पूरे प्रोग्राम की समरी बनाई। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि लगभग इस प्रोग्राम में अभी तक 1100 के ऊपर क्वेश्चन बन चुके होंगे। मैं कई सारे टीचर से सुन रहा हूँ कि सर आज कम बना पाए, लेकिन जो आपका कंबाइंड एफर्ट है वो हमको यहाँ पर पता चल रहा है। 1100 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं आपके, और बड़ी स्पीड से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बड़े स्पीड से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। और इसके अलावा शायद ये बात कई लोग को, कई टीचर्स को खास करके बात पता होगी कि कई बार मैं शाम को फोन करके आपसे एक फेस टू फेस या डायरेक्ट फीडबैक भी लेता रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में। तो कई टीचर्स ने बढ़ाई की, कई टीचर्स ने बताया कुछ कुछ इसके और भी बारे में बताया। तो उस क्रम को अब हम थोड़ा सा और औपचारिक बनाएंगे, और मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर से अनुरोध करूंगा, मैं ज्यादा लोगों से फीडबैक नहीं ले पाऊंगा, मैं अपने कुछ टीचर से अनुरोध करूंगा कि वो पहले ये जो गूगल मीट है इसके अगर वो कुछ इस प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करें। जो वीडियो पर आकर देना चाहते हैं, सबके सामने बोलना चाहते हैं, वो गूगल मीट पर अपना हैंड रेस करें। मैं एक बार फिर से ये बात क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि शायद मैं सबको इनवाइट ना कर पाऊं, 2-3 लोगों को करूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आप सभी जानते हैं कि सबको तो मौका नहीं मिलेगा। आप लोग लिख के भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, और NLI अमृतसर ने भी एक शीट आपके सामने एक्सेल शीट भी व्हाट्सएप में और ईमेल वगैरह में भेजी है, उस पे भी अपना जो आपका फीडबैक है दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो लोग वीडियो पर आकर हमारे सभी अध्यापकों के सामने और NLI अमृतसर और NVS हेडक्वार्टर्स के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको मैं एक एक करके अभी मंच पर आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो मैं हैंड रेस देख रहा हूँ, मीनू वर्मा मैडम जी का। मीनू वर्मा जी मैडम, वर्मा मैडम जी कृपया आए और अपने विचार प्रस्तुत करें जी। सत्याकाल सारियां, सत्याकाल मैडम। इस प्रोग्राम विच जितने भी आदरणीय पर्सनैलिटी जो है मौजूद हैं, मैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहवांगी, जिन्होंने सानू बहुत ही ज्ञान भरपूर जानकारी दिती। खास तौर से जितने भी मतलब पंजाबी तो रिलेटेड, ऑनलाइन टीचिंग तो रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स ने साडे नाल सांझा किए, पवन टिब्बा सर ने सानू बहुत ही जानकारी मतलब जितने भी किसी नू प्रॉब्लम आई है इंग्लिश लैंग्वेज विच जो कुछ सिखाया जा रहा है या फिर हिंदी विच, क्योंकि साडे बहुत सारे टीचर्स जो ने वो पंजाब तो
ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਦਿਵੇਦੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਝਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੂਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर शब्दों से एक बार पूरे पूरे प्रोग्राम का जो क्रक्स था उसको सबके सामने प्रस्तुत किया, और आपने बहुत मतलब इसको एक बड़े ब्यूटीफुल तरीके से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एंड प्रेशियस कमेंट्स। अब मैं ये जो शायद हमारी हरमीत कौर मैडम है, मैडम क्या आप हमको सुन पा रही है? यस सर। मैडम प्लीज आप अपना कृपया फीडबैक सबके समक्ष प्रस्तुत करें। जी सर। जी मैम। सर मतलब मेरे पास जो मैम ने कहा सब कुछ मैं भी वही कहना चाह रही थी, पर उससे मेरे पास वर्ड्स नहीं है सर। इस जो हमारी ये ट्रेनिंग हुई है, आज तक मैंने ऐसी ट्रेनिंग, हम ये पहली ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इससे पहले हम फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करते रहे हैं, पर जितनी फ्रूटफुल ये रही है सर, जितनी फ्रूटफुल ये है, कभी मैंने फिजिकली फेस टू फेस भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जितनी ये अच्छी रही है। और दूसरी बात, अभी तक हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थी, सब्जेक्ट की नॉलेज थी, लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कैसे हमने किसी चीज़ को टाइप करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके क्या, कहाँ से ट्रांसलेट करना है, कहाँ से मैटर लेना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, तो मीन्स दिस ट्रेनिंग इज सुपर। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए। हाँ ये है कि जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, 2 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कि अगर यही ट्रेनिंग बहुत पहले हो गई होती तो आज तक हम और भी बहुत कुछ बच्चों को दे पाते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को बहुत अच्छे तरह से इसको मतलब यूज़ करते हुए हम अपनी नॉलेज उन तक पहुँचा सके, उनसे फीडबैक ले सके। जैसे ये मेरे लैपटॉप पे सामने खुला हुआ है ये डाटाबेस जो जिसपे हम अपलोड करते जा रहे हैं, दिस इज अमेजिंग सर। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि पंजाबी के लिए कोई इतना अच्छा इंटरफेस, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसपे हम धड़ाधड़ देख रहे हैं कितने लॉन्ग आंसर हो गए, कितने इतने आंसर हो गए। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपके इतने 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 इतना पॉजिटिव फीडबैक के लिए और इतनी अप्रिसिएशन के लिए। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि आपने जितनी प्रशंसा की आपका बड़प्पन है, क्योंकि जो एक टीचर्स होते हैं तो वो किसी चीज की बड़ाई तभी करते हैं जब उनमें कुछ अच्छा मतलब दिखता है, और ये जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसकी जो तारीफ का मुख्य कारण है वो आप जैसे टीचर्स ही हैं। आप जैसे टीचर थी जो पहले हमारी वर्कशॉप्स में आए, जिन्होंने हमको गाइड किया और ये बताया कि इसको ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो आपके पार्टिसिपेशन के बाद ये जो प्रोग्राम से और भी अच्छे हो गए हैं, तो इसका मुख्य ध्येय टीचर्स को ही जाता है। तो आपने इतना अच्छा फीडबैक भी दिया, और मैं आपका और आपके तरफ से जो सारे टीचर्स हैं उनके इतने वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और थैंक यू सो मच। आपने कुछ सीखा, आपने 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 कहा कि आपने कुछ सीखा, तो ये एक्चुअली हमारी सक्सेस है और ये आपकी क्वालिटी भी है। और मैं ये जानता हूँ कि ये जो जब से पेंडेमिक हुई और सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई, खासकर टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब पहले क्या था कि
10 से 5 4 पढ़ाना है, अब ऑनलाइन से मतलब हमेशा ही आप कभी भी आपको कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, पढ़ाने के लिए बोल सकता है, बहुत मुश्किल है हो गया सारे टीचर्स के लिए। तो ऐसे पैंडेमिक में भी आप सभी ने, मैं तो चारों पूरे देश के टीचर्स से किसी ना किसी फॉर्म पे कांटेक्ट पे रहता हूँ, आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से हमारे मतलब कि जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको इतने अच्छे से गाइड किया है इस पेंडेमिक में, उनको भटकने नहीं दिया, इसके लिए मैं आपका और आप सभी टीचर्स का बहुत बहुत ढेर से धन्यवाद अदा करता हूँ। इस पेंडेमिक में जितना डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, उतना ही या उससे ज्यादा शायद आप टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। अब मैं एक एक हैंड ऑल रेज देख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ स्क्रीन में, ये उर्मिला टीजी पंजाबी करके लिखा हुआ है, तो शायद मैं आपका मतलब उर्मिला मैडम है। जी मैडम, मैडम प्लीज आइए और अपना। मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैडम जी, प्लीज कम। सर जो मैम लोगों ने बोला है वो शत प्रतिशत सही है कि आप लोगों ने हमें पंजाबी की कंप्यूटर से एक साथ जोड़ के बता दिया कि कंप्यूटर पे भी पंजाबी के बहुत आयाम है जो हम अचीव कर सकते हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक सॉल्व हुई हैं। सर एक इसमें बहुत कुछ अच्छा है, मैं नो डाउट 99% आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बट एक जो माइनर सी कमी हमें नजर आई वो ये है सर कि 24 सेशन थे, जब हम फिजिकली आपकी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो पॉसिबल है कि हम लगातार सेशन अटेंड करते हैं, बट बीइंग ए लेडी एंड बीइंग ए जेंट सर, लगातार आप देखिए इसमें हर एज ग्रुप के टीचर्स हैं, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक बैठे रहना इट इज नॉट पॉसिबल। आप लेक्चर देते हैं 1 घंटे के लिए, हम तो पूरे टाइम के लिए बंधे हुए हैं जी। तो अगर आप इसी को कंटिन्यू करके 12 दिन के दो दो सेशन कर देते बहुत ही ज्यादा 150% फ्रूटफुल होता है जी जी। क्योंकि अभी देख लीजिए जो आपने नॉलेज दी हो तक कुछ बातें हमसे रह गई हो, कभी आई की वजह से कभी थकावट की वजह से हम छूट गया हमसे, शायद वो हम एक दूसरे पूछकर पूर्ति कर रहे हैं। अगर वही दो दो घंटे के सेशन होते तो हम 150% आपका 250% आपका ज्यादा इम्प्लीमेंट कर पाते जी। ये आगे से थोड़ा सा इस चीज से, क्योंकि फिजिकली तो प्रॉब्लम नहीं होती सर क्योंकि हम वहीं पर हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर यहाँ विद फैमिली विद स्कूल हर यूनिवर्सिटी में करते हैं, हर चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप ही की तरफ से कुछ टीचर्स को क्वेश्चन पेपर बनाने की डिमांड भी की हुई है, आपको पता ही होगा सर जी। वो भी टाइम बाउंड है जी। तो वो सब काम करते हुए ये हम हमारी मतलब हम मान रहे हैं कि कुछ हमसे छूट रहा है अगर हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे जी, जी। तो हम इसको और भी अच्छे से करना चाहते थे, आइंदा थोड़ा सा ऑनलाइन का ये करिए फिजिकली से जॉब जी। थैंक यू सर। और बाकी सर जो सर कल टेक्निकली बता रहे थे हमारी छोटी छोटी बात को केयर कर रहे थे, अभी सामने बैठे जा रही है, उन्हें बहुत अच्छे से मतलब बिना पेशन हाइपर हुए हम सबके सवालों का जवाब दिया वन बाय वन, सबकी प्रॉब्लम दूर की। थैंक यू उनके लिए, थैंक यू सर जी। जी जी उर्मिला मैडम, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही बात कही, और यह बात हम बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है बहुत इंटेंसिव है नेचर में, और एक्चुअली खासकर इस समय जब ऑनलाइन सब कुछ हो गया हो, और मैंने ये बात अपने जस्ट आपके बोलने से पहले कह रहा था कि टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन एक्चुअली एक आप शायद अगर आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे तो आपको एक समय और बजट और ट्रेनिंग एक सबके साथ एक बैलेंस बैठाना मुश्किल होता है, तो उसपे कई बार क्या होता है कि हम इंटेंसिव प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात का वादा करना चाहता हूं कि आपसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ये कहने का सेंस ये है कि ये जितने भी आपके सामने लेक्चर हुए हैं ये सारे के सारे हमने रिकॉर्ड किए हैं, और ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सब टीचर्स के साथ सारी स्लाइड सारे लेक्चर्स पूरे शेयर किए जाएंगे, ताकि आप कभी भी उनको देखना चाहें आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन आइटम्स बनाने का है, ये शायद मैं पहले अनाउंस कर चुका हूं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन आइटम्स बनाने का समय है उसको हमने एक हफ्ते तक एक लगभग 5 डेज अगले 5 डेज तक हम उसको लिंक को ओपन रखेंगे, और आप अपनी पूरी कन्वीनियंस के साथ जब आपको समय मिले और अपने स्कूल के रूटीन से और घर के रूटीन से, और जब आपको इस काम के लिए समय मिले तो आप धीरे रोज 5 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस आप बना के उस पे डेटाबेस में 50 का जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशन से संभव नहीं है, जो कि मतलब कि जिसके लिए आपको पुनः किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है, तो मैं एक सारे टीचर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया है जो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्गत कार्यरत है, ये पूरे साल
पूरे साल ऐसे कई प्रोग्राम कराती है, खाली एनडीएस के लिए नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी, जिसमें किसी भी स्कूल का कोई टीचर आके ज्वाइन कर सकता है, उससे सीख सकता है। और ये जो ट्रेनिंग है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए अगर आप, इसके लिए आपको अगर आप पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली अटेंड करते हैं तो आपको जो इंटरनेट वगैरह में खर्चा आता है, क्योंकि एक हफ्ते आप इंटरनेट खर्च करते हैं, सुनते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी राशि भी आपको देते हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन ये मैडम जो आपने फीडबैक दिया, ये बहुत ही बढ़िया फीडबैक है, और इसका जरूर भी, जो कम से कम एनवीएस के प्रोग्राम शेड्यूल तो फाइनल हो गए हैं, हम दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनका जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं एक और हम हाथ उठा हुआ देख रहे हैं, ये गुरु ध्यान सिंह साहब का है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं सर? जी सर, ये सर, सर आपको सत श्री अकाल, नमस्कार, अपना फीडबैक दीजिए सर। स्पेशल थैंक्स CIELL टीम ते NLI DC सर, डॉक्टर कंचन सर ते पवन टिब्बा जी, थोड़ा स्पेशल थैंक्स। जिहड़ी हम लोगों की जो पहले ट्रेनिंग होती थी ना सर, उसमें सारी लैंग्वेज के टीचर्स इन्वॉल्व कर लिए जाते थे, कोई उर्दू का, कोई मराठी का। उसमें सर अगर रिसोर्स पर्सन पंजाबी का आता था तो बेचारे वो देखते रहते थे, अगर उनका अरेंज किया जाता था उनके वाला, तो हम लोगों को अदर लैंग्वेज वालों को समस्या आती थी। इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट इस ट्रेनिंग का ये रहा कि इसमें सारे पंजाबी के टीचर थे, और उसमें जो पंजाबी के टूल्स कैसे यूज करने हैं, एवेल्युएशन कैसे करनी है, और क्रिएटिव जो काम करना है, टाइपिंग के रिकॉर्डिंग, हाउ टू यूज द कंप्यूटर इन पंजाबी टीचिंग, ये सारे जो सेशन रहे हैं, साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड सेशन रहे हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल, बड़े ही हेल्दी रहे हैं सर। इसलिए आगे से भी हम लोगों की यही गुजारिश है कि बेशक ट्रेनिंग ऑनलाइन हो, मगर एक लैंग्वेज के और स्पेशल एक्सपर्ट उसी लैंग्वेज के होने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। स्पेशल थैंक्स सारी टीम का सर, थैंक यू जी। सर आपका माइक ऑफ है, पंकज सर माइक ऑफ है आपका। ये जब थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड फीडबैक, और आपने इतना अच्छे से फीडबैक दिया। ये जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का खाका तैयार कर रहे थे तो हमने इस बात का लगभग लगभग विशेष रूप से ध्यान रखा कि हम सारी लैंग्वेज और उनके मतलब टीचर्स को एक अलग अलग शेड्यूल पे अरेंज कर सके, ताकि हम उनको एक मैक्सिमम इनपुट दे सकें, उनको हम मैक्सिमम इनपुट दे सकें। और हमारी ये कोशिश रहेगी, अगर अगली बार भी जो नवोदय विद्यालय समिति है, अगर भारतीय भाषा संस्थान के कोलैबोरेशन से प्रोग्राम रन किए जाएंगे, तो हम उनको वैसे ही कस्टमाइज करेंगे कि हर भाषा का प्रोग्राम अलग अलग हो। और ये हम ये इंशाअल्लाह और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम आप सभी से मिलके और ये आपको फिजिकल रूप में ये जो ट्रेनिंग हुई वो और भी अच्छे से करा सकें, और आपस में बातचीत भी कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और लगभग चार लोगों का फीडबैक हम ले चुके हैं, और कोई हाथ में उठा हुआ नहीं देख रहा हूं। तो और बाकी जो आपका फीडबैक है उसको कृपया करके लिखित रूप में जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि उससे हमको एक्चुअल में पता चलता है कि क्या हुआ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं इसी क्रम में जो NLI अमृतसर के जो DC हैं श्री करम चंद भगत जी साहब, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सर क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पंकज जी। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे, एक जो आप अमृतसर के जो DC हैं उसके हेड हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी भी एक राय जानना चाहता हूं सर। थैंक यू पंकज जी। सर आइए सर, प्लीज। सबसे पहले मैं CIEL मैसूर के जो डायरेक्टर साहिबान, एक्स डायरेक्टर साहिबान, आप पवन टिब्बा जी और सारे प्रोफेसर्स जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये 6 दिन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से और टेक्निकली बहुत निपुणता के साथ इसको जो है वो अकॉम्प्लिश किया। पंकज जी, ये 3-4 जो कंसेप्ट आप लोगों ने इसमें लिए थे, जैसे पंजाबी टाइपिंग, यूनिकोड, पंजाबी एप्लीकेशन, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, जो टीचर्स को बताया, मैंने टीचर से भी बात की तो वो बहुत खुश थे।
और बहुत हाईली मोटिवेटेड भी फील कर रहे थे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव प्रोग्राम रहा, जिसकी वजह से वो आगे स्कूल में जाकर के बेटर परफॉर्म करेंगे। जो NEP 20 में रोल ऑफ लैंग्वेज और मदर टंग के बारे में बातें बताई गई वो भी बड़ी अनपैरेलल थी, और मुझे आशा ही नहीं यकीन है कि आप सभी टीचर्स अपने फील्ड में जाकर के इसका अच्छा डिस्पोजल जो है वो देंगे। जो लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में बताया गया, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, बहुत हाईली अफेक्टिव रहा। और डॉक्टर वीरेश कुमार को कल मैं सुन रहा था, उन्होंने जो टैक्सोनॉमी और ये पेपर क्वेश्चन सेटिंग टेस्टिंग एवेल्यूएशन के बारे में बता रहे थे, तो उनकी भाषा प्रणाली, उनका जो लैंग्वेज का पिच, उनका समझाने का तरीका और इतना अच्छा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। खासकर उन्होंने जो एग्जांपल्स दी कि गूंगे का गुड़ और जो और, तो वो बड़ी हाईली इम्प्रेसिव थी। तो मैं आप सभी मैसूर की जो NTS टीम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, इनका बहुत आभारी हूं कि आपने 6 दिन का कोर्स जो है बहुत अच्छे ढंग से इसको वेल निट परफॉर्म था। और मैं अपने डियर फ्रेंड से भी दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम अपने मन की बात किसी दूसरे को समझाएं। उसमें ये नहीं है कि हम डिफिकल्ट वर्ड लें या इजी वर्ड लें, लेकिन अगर हम अपने जो हमारे पास कंटेंट्स हैं उनको अफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचा पाते हैं तो बढ़िया लैंग्वेज जो है वो उसको कहा जाता है। दूसरा, आपकी जो आप जो नॉलेज जहां से लेके जा रहे हैं वो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आपकी अचीवमेंट को मैं एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ NLI अमृतसर आपसे 3 महीने के बाद, सभी जो 57 टीचर्स हैं आपसे 3 महीने के बाद आपसे दोबारा फीडबैक लूंगा, आपसे नहीं बल्कि आपके प्रिंसिपल से। वो एक क्वेश्चन आयर जाएगा कि आपने आप किस क्लास में किस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं कि अचीवमेंट तो आपकी है, कि मैं रियल अचीवमेंट उसको समझूंगा कि आप अगर इस नॉलेज को सिंसियरली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लासरूम में फॉर वेलफेयर ऑफ योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, हमारी खेती है और हम उसके किसान हैं। तो अगर हम उनकी लैंग्वेज को और बढ़िया ढंग से बता सकते हैं तो बढ़िया। तो फाइनली फ्रॉम NLI अमृतसर, आई एम ग्रेटफुल टू NTS टीम मैसूर CIIL, स्पेशली डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी, श्री पंकज द्विवेदी जी, अमित झा जी, पवन टिब्बा जी फ्रॉम पटियाला, एंड ऑल दोज हु आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोग्राम, एंड अबव ऑल अवर बिलव्ड कमिश्नर श्री विनायक गर्ग जी, जिन्होंने हमें इजाजत दी ये प्रोग्राम को कंडक्ट करने की, और ज्ञानेंद्र कुमार जी एंड राजन जी, जिन्होंने जो असली आर्किटेक्ट हैं इस प्रोग्राम के। तो सर लास्टली मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो आपका 6 दिन का प्रोग्राम था, इसमें कंटेंट नंबर 1, मेथडोलॉजी नंबर 2, रिसोर्स पर्सन नंबर 3 एंड टाइम मैनेजमेंट नंबर 4, तो इट वॉज रियली सुपर। आई एम नॉट ओनली कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट ओनली होपफुल दैट कॉन्फिडेंट ऑल्सो, के ये जो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम माइट हैव बीन रियलाइज्ड बाय ऑल ऑफ द टीचर्स। तो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, पंकज द्विवेदी जी एंड योर टीम, प्लीज थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words and for your absolute, keen observation on the program.
and you have actually in brief summarized everything which I can say was important to the core of very program. So thank you so much. और आपका आपका आपके बारे में मैं यही कहूंगा अपने सारे अध्यापकों का अध्यापकों को कि आप शायद आप लोग शायद नहीं जानते हैं लेकिन जब भी प्रोग्राम में कोई भी छोटी से छोटी समस्या आई तो हम और आपके जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं श्री करमचंद भगत साहब हम लोग एक दूसरे से फोन पर जुड़े हुए थे और डीसी साहब हमको लगातार इस मामले पर गाइड कर रहे थे कि ऐसा है और ऐसे करना चाहिए और उनका बड़ा इसमें योगदान और गाइडेंस हमको मिला. सर वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. और अब हम इस प्रोग्राम के धन्यवाद ज्ञापन समारोह की ओर बढ़ेंगे और क्योंकि शायद सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कही जा चुकी हैं. तो सबसे पहले इस समापन समारोह में मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा एनवीएस हेडक्वार्टर के आयुक्त हैं जो कमिश्नर हैं श्री विनायक गर्ग साहब कि उन्होंने इस जो कार्यक्रमों के संचालन और संचालन और इनके आर्किटेक्चर को सबको अपना जो अप्रूवल प्रदान करने में बड़ा ही सहयोग दिया है. महोदय मैं आपका इन एब्सेंशिया बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. उसके पश्चात मैं भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ. उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही संस्थान का कार्यभार संभाला है और जब मैंने उनको जब मैंने उनसे इन कार्यक्रमों के एग्जीक्यूशन और उनके लिए बात किया सहयोग किया उन्होंने तुरंत हाँ की. उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके पहले क्या हुआ. उन्होंने कहा कि हमारे टीचर्स का कोई भी जो प्रोग्राम है वो जरा सा भी लेट नहीं होना चाहिए और मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग है और इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन का भी पार्ट बने. तो सर मैं आपका भी इन एब्सेंशियर बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ. इसके पश्चात मैं एनवीएस हेडक्वार्टर के जो सह आयुक्त हैं श्री ज्ञानेंद्र जी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. इस कार्यक्रम की नींव डालने में उनका एक मुख्य हाथ रहा है और इसके पहले भी हमने एनवीएस के टीचर्स की ओर चार भाषाओं कन्नड़ तेलुगु मलयालम और मराठी भाषा में प्रोग्राम्स का आयोजन किया है और उन्होंने इस पे अपना पूरा सहयोग प्रदान किया. और मैं इसी क्रम में जो हमारे एनवीएस हेडक्वार्टर के उपायुक्त हैं वो एनपी राजन साहब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि बहुत सारी मतलब किताबें चाहिए ये प्रॉब्लम आ रही है और राजन साहब हमारे साथ लगातार टच पर बने रहे. कई कारण से मैं अधिकतर फोन नहीं उठा पा रहा था कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से कुछ समय तक लेकिन उन्होंने उसको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ईमेल पे कांटेक्ट करके उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करने पर एक अतुलनीय योगदान दिया है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. इसके पश्चात मैं भारतीय भाषा संस्थान के जो उप निदेशक हैं और परीक्षण तथा मूल्यांकन केंद्र के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर पी आर धर्मेश फर्नांडिस साहब जो इस कार्यक्रम का भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की ओर से डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात जो हमारे एनएलआई अमृतसर के जो उपायुक्त हैं जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं श्री करमचंद भगत साहब वो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे शामिल रहे शुरुआत से अंत तक. सर महोदय आप यहाँ पर उपस्थित हैं मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. आपके बिना इस प्रोग्राम का सफल संचालन बिल्कुल संभव नहीं था. इसके पश्चात मैं हमारे जो को कोऑर्डिनेटर हैं एनआरएलसी पटियाला से श्री पवन टिब्बा साहब का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ. ये जितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स आपने देखे वो सब पवन टिब्बा साहब ने बड़ी मेहनत से पिछले दो महीने से उनके पीछे जाके उनसे टाइम मांग के और उनको कन्विंस करके कि सर आइए और ये हमारे टीचर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर टीचर्स के लिए अच्छा रहेगा तो हमारे देश की जो न्यू जनरेशन है जो बच्चे हैं हमारे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. पवन टिब्बा साहब आपके इस अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. इसके पश्चात जो एनएलआई अमृतसर में जो हमारे अंकुश जी हैं राकेश जी हैं और एनटीएस में जो और तकनीकी पर्सन है डॉक्टर अमित कुमार झा और डॉक्टर और एनसी जी राघवन जी और कश्यप जी उन सभी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ. और जो इस पूरे कार्यक्रम के मार्ग जो इस पूरे कार्यक्रम के जो उसे क्या कहें जो रिसोर्स पर्सन थे जो देश और विदेश और आईआईटीज और एनआईटीज की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों से लाए गए थे और ये सारे के सारे प्रोफेसर्स एक्सपर्ट्स यूजुअली बहुत बिजी रहते हैं इनका समय पाना मुश्किल होता है ये सभी आए और इन सभी ने अपना कीमती समय और अपना कीमती ज्ञान हम सभी के मध्य साझा किया. इन सभी का मैं बहुत हाथ जोड़ के क्योंकि हमारे गुरु हैं और गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए. तो जो गुरु का स्थान होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है.
बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं, तथा इसके पश्चात जो हमारे आप अध्यापक गण हैं, आप भी हमारे उतने ही पूजनीय, उतने ही महनीय, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और गुरु हैं, जो इस देश के बच्चों का भविष्य संवारने में पूरा अपना प्रॉपर योगदान दे रहे हैं, और आपके डेडिकेशन का, आपके जो आपकी जो मेहनत है उसका पता इसी से लगता है कि इतना इंटेंसिव प्रोग्राम था जिसपे बैठे रहना सभी के लिए संभव नहीं था, लेकिन आप सभी ने पूरी की पूरी उपस्थिति बनाए रखी, अनुशासन बनाए रखा तथा इतना अच्छा समन्वय बनाया कि ये पूरा प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसलिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर बिल्कुल तहे दिल के साथ बड़ा विनम्र होके आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे जो शिक्षक हैं, जो आप जैसे गुरु हैं और जो आप जैसे टीचर हैं, वो देश के सारे बच्चों को मिलें। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अगर इस प्रोग्राम में कोई कमी रह गई हो तो भूल मेरी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और अगर इस प्रोग्राम में कोई अच्छाई हो, कोई पॉजिटिविटी हो, आपने सिखाए, तो इस टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे रिसोर्स पर्सन हो, चाहे हमारे एनवीएस कमिश्नर साहब हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हो, योगदान उनका हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।